कौश वैली के मजे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम इकबाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कौश वैली। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT सर्विस का खसूसी ज़ू कार्ड की तकसीम का काम शुरू हो गया है। जैसा कि आप में से बेशतर लोगों को मालूम है कि पश्तों में ज़ू का मतलब है चलें यानी लेट्स गो, लिहाजा मजकूरा कार्ड का काम खुद वजाहती हो जाता है। इस तरह के आप अपना ज़ाती टिकट अपने पास रख सकते हैं जो आप चलते फिरते इस्तेमाल कर सकते हैं। पिशावर के लोगों ने बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT के ज़ू कार्ड में बड़ी गहरी दिलचस्पी जाहिर की है, क्योंकि इस ऐलान के बाद सैकड़ों अफराद कार्ड हासिल करने BRT स्टेशन पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का कहना है कि 1,00,000 कार्ड बनाए जाएंगे जो कि बिला मुआवजा पिशावर के शहरियों को फराहम किए जाएंगे। इंतहाई गर्म मौसम के बावजूद BRT बसों में सफ़र के लिए ज़ू कार्ड हासिल करने के लिए BRT स्टेशनों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। चमकनी स्टेशन, हशनगरी, गुलबहार, फिरदौस और हयातबाद समेत एक दर्जन से जायद BRT स्टेशनों पर मुफ्त ज़ू कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। 100 रुपये के टॉप अप बैलेंस के साथ मुफ्त ज़ू कार्डों की तकसीम का आगाज़ दूसरे दिन भी हुआ, जिसमें ख्वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद ने कार्ड हासिल किए। ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांस पिशावर ने यह खसूसी कार्ड पेशकश मुतारफ़ करवाई थी और इस कार्ड को हासिल करने के लिए 1,00,000 फ्री कार्ड फराहम करने का ऐलान किया था। ताहम इस कार्ड को हासिल करने के लिए 100 रुपये का टॉप अप बैलेंस होगा और इसके लिए बायोमेट्रिक तस्दीक भी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ये कार्ड पहले आइए पहले पाइए की पॉलिसी के तहत तकसीम करवा रही है और पहले 1,00,000 अफराद को बिला मुआवजा ये सहूलत मिलेगी। बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए एक मर्द या एक औरत को सिर्फ एक ही कार्ड मिल सकता है। ज़ू कार्ड का हुसूल भी नाकाबिले यकीन हद तक आसान है। पहले आप स्टेशन पर जाएंगे जहां आपको टिकट काउंटर नजर आएगा। अगर आप यकतरफा सफ़र करना चाहते हैं तो आप मियारी टिकट खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो है टिकट वेंडिंग मशीन यानी TVM। ये एक ATM जैसी मशीन है जिसके ज़रिए आप या तो अपने मौजूदा ज़ू कार्ड को रिचार्ज करवा सकते हैं या फिर एक नया कार्ड भी खरीद सकते हैं। मशीन के काम करने का तरीका कार मरहलावार होता है। मरहला नंबर 1, वो ज़बान मुंतखब करें जिसमें आप मेन्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं। मरहला नंबर 2, मशीन की स्क्रीन पर मुख्तलिफ इख्तियारात नज़र आएंगे, जैसे कि नया कार्ड खरीदना, कार्ड को रिचार्ज करना वगैरह। रिचार्ज की सूरत में आपको मशीन में अपना कार्ड दाखिल करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। मरहला नंबर 3, अपने कार्ड की अदायगी करने या रिचार्ज करने के लिए नकद रकम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा और जैज कैश में से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। मरहला नंबर 4, अदायगी का तरीका मुंतखब करने के बाद आपको रकम मुंतखब करना होगी। आप कार्ड को 100 रुपये से 1,000 रुपये तक खरीद या फिर रिचार्ज करवा सकते हैं। मरहला नंबर 5, कार्ड की अदायगी के बाद दाखिली दरवाजे पर जाएं, कार्ड को स्कैनर पर रखें और स्टेशन में दाखिल हो जाएं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि कार्ड की तकसीम अगले चंद रोज़ में तमाम बड़े स्टेशनों पर भी मरहला वार की जाएगी। अभी ये सिर्फ मखसूस स्टेशनों पर ही की जा रही है। ज़ू कार्ड के इस्तेमाल कुनिंदा ज़ू मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसके तहत BRT पर सवार होने के लिए अपने फ़ोन को दाखिली स्कैनर पर रखना होगा, जिसके बाद इन्हें दाखिले की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नमेंट के मामूली खसूसी कामरान बगश ने दूसरे दिन अपना ज़ू कार्ड हासिल किया और मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि BRT लोगों को एक बेहतरीन और जदीद सफरी सहूलत फराहम करेगी। इस खदमत के आगाज़ के साथ ही पिशावर में शहरी ज़िंदगी के खाके को भी तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि पिशावर के अंदर सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़े तोहफे का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला महमूद खान जल्द ही इस मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों,
یاد رہے کہ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی بی آر ٹی منصوبہ اپنی لاگت سے کہیں زیادہ اخراجات اور مقررہ وقت میں مکمل نہ ہونے پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سخت تنقید کی زد میں رہا اور بھاری کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے گئے جو کہ ثابت نہیں ہو سکے اور کافی عرصہ تنازعات کا شکار رہنے کے بعد آخر کار یہ میگا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ ان دنوں بی آر ٹی روٹ پر ایک ٹیسٹ ڈرائیو چل رہی ہے اور صوبائی حکومت جلد ہی اس منصوبے کے باضابطہ افتتاح کا اعلان کرے گی جس سے پشاور کے شہری آرامدہ سفر سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔